क्या आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, आप बहुत स्किनी हैं और होना चाहते हैं थोड़े मोटे, या होना चाहते हैं थोड़े हेल्दी, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो नुस्खे जिससे कि आप मोटे हो सकते हैं, यानी कि अपना वेट गेन कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ देव शुक्ला, आप देख रहे हैं ग्रूमिंग ग्रूमिंग, यहाँ पर आपको हेल्थ और ब्यूटी की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे कि आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे कि आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। आप वर्कआउट अपने डेली लाइफ में ऐड करके हाई कैलोरी डाइट ऐड करेंगे तो इससे आपका वेट गेन, मसल गेन काफ़ी फास्ट होगा। बट अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी मेरे पास उपाय है, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। नंबर वन, जी हाँ, हम लोग खाना खाने के पहले बहुत आदती होते हैं पानी पीने के, जो कि हमें नहीं करना है। जी हाँ, हमें खाना खाने के पहले पानी नहीं पीना है। पानी पीने से हमारा पेट भर जाता है, फिल हो जाता है, जिससे कि हमारी कैलोरीज इनटेक कम हो जाती है। सेकंड, जब आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले, रात में जब आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले अपने डाइट में कुछ ना कुछ मील जरूर ऐड करो। स्नैक्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइट कोई स्नैक्स हो सकते हैं, आप उसे ऐड करो, उसे खा के देन आप बेड पर जाओ। नंबर थर्ड, होल मिल्क। जी हाँ, पूरा दूध, यानी कि जिस दूध में मलाई भी हो, दूध भी हो, सब कुछ हो, वो दूध आपको पीना है। जी हाँ, ये हाई कैलोरीज प्रोटीन हो सकता है और ये आपको वेट गेन में काफ़ी हेल्प करेगा। नंबर फोर, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप वेट गेनर शेक्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। हालांकि मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप वेट गेनर और इन सब चीज़ों को लो, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो आप वेट गेनर शेक्स एक आपके पास उपाय है, आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। नंबर फाइव, यूज़ बिगर प्लेट्स। जी हाँ, अपनी डाइट में बड़ी थाली का यूज़ करो, ये हमारी मेंटालिटी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अगर हम छोटे प्लेट में खाना खाते हैं तो कम खाना खाते हैं, तो हमारा कैलोरीज इनटेक कम होता है। बट जब आप बड़ा प्लेट लोगे और आपके मेंटली ये बना होगा कि मुझे ये प्लेट फिनिश कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप एक हाई कैलोरी डाइट इनटेक करोगे। तो कोशिश करो कि जितने छोटे बर्तन में आप खाना खाते थे, उस बर्तन उससे बड़ा हो और खाना भी उसमें ज़्यादा हो, जिससे कि आप मेंटली ये सोचो कि मुझे ये पूरा फिनिश करना है, जिसकी वजह से आप एक हाई कैलोरी डाइट ले पाओगे। नंबर सिक्स, ऐड क्रीम इन योर कॉफ़ी। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो तो उसमें क्रीम ऐड करो। हालांकि ये फैट का बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स होगा, बट अगर आप चाहो तो इसे ऐड कर सकते हो। नंबर सेवन, अपनी डाइट में क्रिएटिन ऐड करो। अगर आप जिम जाते हो तो, अगर आप जिम बॉय हो, जिम गर्ल हो, तब आप अपनी डाइट में क्रिएटिन ऐड करो। जी हाँ, क्रिएटिन ऐड करने से आपको मसल ग्रोथ करने में या फिर वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, बट इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेनी पड़ेगी। आपको इसके साथ प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा और प्रॉपर वाटर इनटेक भी करना पड़ेगा, 7 से 8 लीटर दिन में। अगर आप 7 से 8 लीटर पानी पी सकते हैं, जिम जा सकते हैं और उतनी अच्छी डाइट ले सकते हैं, तो क्रिएटिन आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नंबर एट, गेट क्वालिटी स्लीप। जी हाँ, आपके लिए सोना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आपके लिए वर्कआउट करना इम्पॉर्टेंट है, जितना आपके लिए डाइट लेना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक प्रॉपर रेस्ट लेना भी है। जी हाँ, सोने में ही आपकी मसल जो होती हैं वो रिकवर करती हैं। जब आप आराम कर रहे होते हो तब आपकी मसल रिकवर करती हैं, तो कोशिश करो कि नींद भी प्रॉपर लो, जिससे कि आपकी मसल रिकवर करे। नंबर नाइन, इफ़ यू आर अ जिम बॉय और अ जिम गर्ल, अगर आप जिम बॉय हो या जिम गर्ल हो, तो आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में 2 से 3 दिन हैवी वेट्स ट्राई करो। जी हाँ, आप लाइट वेट तो करते ही होगे, बट हैवी वेट्स करना स्टार्ट करो, इससे भी आपकी मसल गेन होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबर 10, मैं आपको एक हल्की सी छोटी सी डाइट चार्ट बता देता हूँ, जिसको आप अगर अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आपको एक हेल्दी गेनिंग ऑफकोर्स मिलेगी। तो वो है नट्स, ड्राई फ्रूट्स, हाई फैट डेरी, फैट एंड ऑयल्स, ग्रेन्स, मीट और ट्यूबर्स। जी हाँ, अगर आप इन सबको अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको एक हेल्दी गेनिंग ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही हेल्थ और ब्यूटी की रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।